गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी में आज हम पाठ 19 पढ़ेंगे, पुरु और सिकंदर। पुरु कौन था? एक राजा था, उसकी और सिकंदर की एक स्टोरी है। आज हम आपको ये बताएंगे कहानी। बच्चों, सिकंदर का नाम आप सभी ने सुना होगा। वह यूनान का राजा था। यूनान एक देश था, वो वहाँ का राजा था सिकंदर। उसने सिंहासन पर बैठते ही विश्व विजय करने का निश्चय किया। जैसे ही वो राजा बना, उसने विश्व विजय यानी पूरे संसार को जीतने का निश्चय किया कि मैं सारे देशों को जीत लूँगा। उसका कहना था कि संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है। मतलब बहुत ही ज़्यादा वीर था वो। सिकंदर के पास एक विशाल सेना थी। वह आंधी तूफान की तरह पश्चिम एशिया, मिस्र तथा ईरान को युद्ध में हराता हुआ उत्तर पश्चिमी रास्ते से भारत तक आ पहुंचा था। वो धीरे धीरे करके देशों को जीतता हुआ भारत में भी आ गया कि मैं भारत को भी अब जीत लेता हूँ। उसने अपने संपूर्ण दल बल पूरी सेना के साथ भारत पर आक्रमण यानी हमला किया। उस समय पश्चिमी उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य थे। उस टाइम पे छोटे छोटे राज्य थे, वे राज्य आपस में ईर्ष्या रखते थे, मतलब एक दूसरे से जलते थे सारे राज्य और परस्पर झगड़ते रहते थे। सिकंदर ने उनकी आपसी फूट का पूरा लाभ उठाया। अब जैसे किसी में आपस में फूट हो तो दूसरा आदमी फ़ायदा उठाता है, ऐसे ही सिकंदर ने भारतीय राज्यों की फूट का फ़ायदा उठाया। भारत के उत्तर पश्चिम में तक्षशिला में राजा आम्भी राज्य करता था। राजा आम्भी था एक तक्षशिला का राजा। उसने अपने शत्रु राजा पुरु को नीचा दिखाने के लिए सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। राजा पुरु उसका शत्रु था और उसको नीचा दिखाने के लिए यानी उसकी बेइज्जती करने के लिए उसने सिकंदर को बुलाया भारत में कि इसको हरा दो। राजा पुरु का राज्य पंजाब में झेलम और चिनाब नदियों के बीच था। सिकंदर की सेना झेलम तक आ पहुंची थी, किंतु उसे नदी को पार करने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इस कारण सिकंदर की सेना 4 सप्ताह तक झेलम नदी के किनारे पर पड़ी रही। अंत में पुरु के शत्रु आम्भी ने उसे रास्ता बताया और सारी सेना नदी पार हो गई। यानी उसकी मदद किसने की थी? राजा आम्भी ने। पुरु बड़ा वीर और साहसी राजा था, उसी के बारे में ये कहानी है। जब सिकंदर ने आम्भी की सहायता से पुरु राज्य पर आक्रमण किया तो पुरु ने बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा। उसने सिकंदर की सेना के छक्के छुड़ा दिए, मतलब बुरी तरह उसको सबको हरा दिया, किंतु भाग्य ने पुरु का साथ ना दिया। दुर्भाग्य से पुरु की सेना के हाथी युद्ध में बिगड़ गए। पहले के जो राजा होते थे हाथियों पर बैठ के युद्ध करते थे तो उसकी किस्मत खराब थी और जो उसके हाथी थे वो युद्ध में बिगड़ गए, मतलब इधर उधर भागना शुरू हो गए। इससे उसकी सेना में भगदड़ मच गई, मतलब अफरा तफरी मच गई। फिर भी पुरु बहादुरी से लड़ता रहा। अंत में वह घायल हो गया था और उसे बंदी बना लिया गया, मतलब उसे पकड़ लिया गया। इसके पश्चात उसे सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने पुरु से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, मतलब क्या किया जाए तुम्हारे साथ। इस पर वीर पुरु ने उत्तर दिया, जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। यह उत्तर सुनकर सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ, मतलब बहुत खुश हुआ। इससे सिकंदर को मालूम हो गया कि भारत में अनेक वीर राजा हैं। उसने पुरु को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया, मतलब उसको आज़ाद कर दिया। उसने उसका जीता हुआ राज्य भी वापस कर दिया और जो उसका राज्य उसने जीता था उसको भी उसे लौटा दिया। सिकंदर वहीं से यूनान लौट गया और वो अपने यूनान वापस चला गया। इस प्रकार वीर पुरु ने यूनान के सम्राट सिकंदर का बड़ी वीरता से सामना किया और अंत में मृत्यु को साक्षात देखकर भी अपने स्वाभिमान को आँच नहीं आने दी। इस कहानी से बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अब सदैव अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए और अपने सामने आई सभी मुसीबतों का साहस से, हिम्मत से सामना करना चाहिए। मुसीबतों से घबराकर भाग नहीं जाना चाहिए। अब हम इसकी वर्कशीट करेंगे। शब्द अर्थ, असंभव जो संभव ना हो, आक्रमण हमला, ईर्ष्या जलन, मुक्त छोड़ना साक्षात आँखों के सामने, सम्राट राजा, विश्व विजय पूरी दुनिया को जीतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य बनाओ। जैसे वीर है तो वीर का क्या लिख सकते हम? पुरु वीर राजा था। शत्रु
इसका हम जैसे लिख सकते हैं कि ये भी लिख सकते हैं पुरु के अनेक शत्रु थे, जैसे हमने लिखा है पुरु के अनेक शत्रु थे। युद्ध, युद्ध मतलब जैसे वार होता है इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं, युद्ध का हम जैसे बना सकते हैं, इसका जैसे हमने बनाया है महाभारत विनाशकारी युद्ध था। महाभारत जो हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था उस युद्ध में, तो इसका हमने बनाया है महाभारत विनाशकारी युद्ध था। अब जैसे प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश, इसका जैसे हमने बनाया है बच्चे की हंसी देखकर माँ प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। इसके आप सेंटेंस अपनी तरफ से बना सकते हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष अवस्था या भाव का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे प्रशंसा, मिठास, बचपन, बुढ़ापा आदि। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए शब्दों को वर्तमान काल में बदल कर लिखो। जैसे ये भूतकाल में दे रखा है, हमने इनको वर्तमान में बदल कर लिखा है। वह यूनान का राजा था, अगर इसको हम वर्तमान में लिखेंगे तो वह यूनान का राजा है। पुरु बड़ा वीर और साहसी राजा था, अगर इसको वर्तमान में लिखेंगे तो पुरु बड़ा वीर और साहसी राजा है। भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, इसको वर्तमान में लिखेंगे तो भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य हैं। मीना ने कल आइसक्रीम खाई थी, वर्तमान में लिखेंगे तो मीना आइसक्रीम खा रही है, वर्तमान में है और भूतकाल में था जो बीत गया। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर, सिकंदर ने सिंहासन पर बैठते ही क्या निश्चय किया? उत्तर, सिकंदर ने सिंहासन पर बैठते ही विश्व विजय करने का निश्चय किया, दुनिया जीतने का। प्रश्न दो, सिकंदर भारत किस रास्ते से होकर आया? उत्तर, सिकंदर उत्तर पश्चिमी रास्ते से होकर भारत आया। प्रश्न, सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने और क्यों बुलाया? उत्तर, सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए तक्षशिला के राजा आंबी ने बुलाया, क्योंकि वह अपने शत्रु राजा पुरु को नीचा दिखाना चाहता था। प्रश्न, राजा पुरु का राज्य किन नदियों के बीच था? उत्तर, राजा पुरु का राज्य पंजाब में झेलम और चिनाब नदियों के बीच था। प्रश्न, सिकंदर और पुरु के मध्य होने वाले युद्ध का परिणाम बताइए। उत्तर, वीर पुरु ने सिकंदर का बड़ी वीरता से सामना किया और अंत में मृत्यु को साक्षात देखकर भी अपने स्वाभिमान को आँच नहीं आने दी। प्रश्न, पुरु की किस बात से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसको मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया? पुरु की वीरता व स्वाभिमान से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसको मुक्त कर दिया, वह उसका राज्य भी वापस कर दिया। थैंक यू।